स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूर्व गृह भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हल्द्वानी के तिकुनिया स्थित पंत पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि आज के युवाओं को उनके जीवन परिचय से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि वे हमारे राज्य में जन्मे थे। देश की आजादी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का बड़ा योगदान रहा और कुशल राजनीतिज्ञ होने के चलते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गाँव में 10 सितंबर 1887 को हुआ था। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देश को आज़ादी करने के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ादी की अहम भूमिका निभाई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप से, संयुक्त प्रधानमंत्री के रूप से कहने वाले और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में आज और उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम के साथ में पंत जी की जयंती मनाई जा रही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही उनकी जयंती में हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं कि पहाड़ को और सशक्त बनाएंगे। और जिस तरह विराट व्यक्तित्व तो उनका था, पहाड़ की तरह कठोर चट्टान की तरह थे वो, उनके हमेशा अपने मूल्य अडिग रहे, तो वो सबको प्रेरित करते हैं, उन्हें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और साथ ही इस पहाड़ के सतत विकास के लिए दलित राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पंडित जी को याद कर रहा है, उनके कृतित्व व्यक्तित्व ने एक विशेष छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो हैं, उस आंदोलन को उन्होंने धार दी और ZALR एक्ट उन्हीं के नेतृत्व में पास हुआ है और एक से एक आंदोलन जो चलते रहे उन सब पर वो आगे रहे हैं। उन्होंने विधिवत कांग्रेस ज्वाइन करी, भारत छोड़ो आंदोलन के पेपर पर दस्तखत करने पर उनको जेल हो गई, लगातार वो आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को नई दिशा दी, युवकों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अगर कोई अनैतिक काम करता है, अंग्रेजों ने कोई नैतिक काम तो किया नहीं, उनका काम तो गलत ही था, और जो गलत काम करते हैं उसका कैसे प्रतिकार करना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उनके व्यक्तित्व कृतित्व चरित्र के आधार पर ही उनको भारत रत्न दिया गया।